आज सेक्शन 88 पढ़ेंगे, जिसमें है जनाब, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसर्ट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट्स। बिल्कुल आसान सेक्शन है, बिल्कुल आसान सेक्शन है। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इन एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज आर बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज आर बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ एंड हु हैज गिवन ए कंसेंट वेदर एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड टू सफर दैट हार्म और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। देखिए जनाब, कोई भी एक्ट जुर्म नहीं है अगर वो मर्जी से एक बंदे के बका और फायदे के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मुख्तसर सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ब्राइफ सा एग्जाम्पल। आप गुर्दे के मरीज हैं, पत्थर हैं, अल्लाह ना करे जो भी हो, जिस बंदे के गुर्दे में यानी पत्थर है, वो जाके कह रहा है कि भाई डॉक्टर से कह रहा है मेरा ऑपरेशन करें, और डॉक्टर भी ये समझता है कि इसकी ऑपरेशन ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर ये समझता है कि इसकी ऑपरेशन ज़रूरी है, और सामने से बंदा अपना यानी कंसेंट भी दे रहा है, और डॉक्टर की यानी उसकी इंटेंशन ये होती है कि भाई इस बंदे को यानी ये ऑपरेशन करना ज़रूरी है, और सामने से वो अपना कंसेंट भी दे रहा है। अगर डॉक्टर समझता हो कि भाई ये बंदा यानी जो ये यानी उस ऑपरेशन से उसकी जान को खतरा यानी है, तो फिर यानी खतरा है उसको, डॉक्टर को तो मालूम होती है कि भाई इस बंदे की खतरा होती है, ज़रूर होती है, क्योंकि अगर आप किसी का ऑपरेशन कर रहे हो, वो भी गुर्दे का, वो खतरनाक होती है। तो वो कह रहा है कि भाई वो तो जनरली अपनी मर्जी से तो नहीं करेगा ना, अपनी मर्जी से किसी को जान को खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन अगर डॉक्टर समझता है कि भाई उस बंदे की कंसेंट शामिल है, और यहाँ ये समझता है कि भाई उस बंदे की ऑपरेशन भी ज़रूरी है और कंसेंट भी है, तो अगर वो ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन के नतीजे में उस बंदे की डेथ हो जाती है या उसको मजीद कोई दूसरा नुकसान पहुंचता है या उसके गुर्दे फेल हो जाते हैं या कोई भी मसला होता है, लेकिन वो बंदा यानी वो डॉक्टर लायबल नहीं है, क्योंकि वो उसकी इंटेंशन यानी गुड फेथ होती है, उस बंदे के बका के लिए होती है, उसकी मर्जी की वजह से होती है, इसलिए ये क्राइम नहीं है, और वो डॉक्टर्स या कोई सर्जन वो क्या होगी यानी जिम्मेदार नहीं होगी यानी उस एक्ट या गलत काम के। हाँ, अगर अगर डॉक्टर ने कोई नेग्लिजेंस यानी दिखाई है उस ऑपरेशन के दौरान, उस अपना काम सही सरंजाम नहीं दिया है, तो वो लाइबिलिटी उसके ऊपर होगी। अगर आपने बंदे की ऑपरेशन की है और आपने नेग्लिजेंस दिखाई है यानी अपना काम सही तौर पर नहीं अंजाम दिया है, तब आप उस बंदे को सूट कर सकते हैं, उसके अंदर उसके को सू कर सकते हैं नेग्लिजेंस में। उम्मीद करूँगा दोस्तों आज का लेसन पसंद आएगा, नहीं आए तो फिर भी मुझे आपको सकते हैं, तो बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह।